हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, न्यूज़पेपर में अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कुछ रूल चेंज किए गए हैं। तो इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है, कई दोस्तों ने वीडियो भी बना रखी है कि जो एक्स्ट्रा नंबर है वो केवल 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या पैटर्न चेंज हो गया है, क्या अब एग्ज़ाम 90 का होगा। तो यदि आप इंटरेस्ट नहीं है जानने में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। ये है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जो आपको आपकी जॉब की तैयारी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एजुकेटर हूँ, हर रोज करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा हरी बॉम्बे न्यूज़ पेपर में न्यूज़ प्रकाशित की गई थी अभी हाल ही में, जिसमें बताया गया था कि हरियाणा पुलिस के फार्म दोबारा से निकल चुके हैं। 16 तारीख से दोबारा से फार्म आप भर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ रूल चेंज किए गए थे, जिसमें एक रूल ये था कि जो पहले बहन और बेटी का शब्द था, बहन बेटी, कि आपके परिवार में बहन या बेटी नौकरी पे है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तब अब यहाँ बहन और बेटी शब्द को हटा लिया गया है। ठीक है, तो अब इसके साथ एक ये लाइन लिखी मिली थी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। बरसते की किसी भी उम्मीदवार को सामाजिक आर्थिक मानदंडों तथा अनुभव हेतु किसी भी परिस्थिति में 10 अंक से अधिक नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों, कई वीडियो आ भी चुकी है कि अब पैटर्न चेंज हो गया हरियाणा पुलिस का, कि अब एग्जाम 90 का होगा। पहले एग्जाम 80 का था, लेकिन दोस्तों ये जो 10 नंबर दिए गए हैं अब भी ये पहले वाला ही सिस्टम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो आपका एग्ज़ाम है वो अब भी पहले वाले पैटर्न पर ही रहेगा। जो ये 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं ये पहले भी इतने ही दिए जा रहे थे, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक के 10 नंबर थे, लेकिन जो 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा हैं वो है हायर क्वालिफिकेशन के, हायर क्वालिफिकेशन के, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आपको नंबर देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको नंबर मिलेंगे, एनसीसी है तो आपको नंबर मिलेंगे। वो पुलिस की भर्ती में आपको अब भी दिए जा रहे हैं, यानी कि 10 ये 10 वो, 20 नंबर आपके अलग से हैं इस भर्ती में भी। आपका एग्जाम पहले वाला प्रोसेस ही रहेगा, कोई भी पैटर्न चेंज नहीं किया गया है। क्योंकि मेरे दोस्तों ये आपको साथ शेयर करना जरूरी था, क्योंकि कई दोस्तों के कमेंट आए थे इस चीज़ के ऊपर कि अब क्या केवल 10 ही नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो पहले की तरह वही प्रोसेस है, सिर्फ बहन बेटी का शब्द यहाँ से हटा दिया गया है और कोई भी फर्क इस कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एग्ज़ाम आपका अब भी वही रहेगा 80 नंबर का ही, जो आपका 20 नंबर आपका एक्स्ट्रा है वो अब भी उतने आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आप दोस्तों एक मिनट और, जो आप एक मिनट, दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक हरियाणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है आपकी तैयारी को चेक करने के लिए, आपके स्टेटस को चेक करने के लिए। क्योंकि अब आपके एग्जाम होने वाले हैं तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे टॉप 10 में रहने वालों को इनाम भी दिया जा रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 11,000 रुपये फर्स्ट इनाम है, सेकेंड इनाम 5100 है, थर्ड ये है, फोर्थ 2100, चौथा ये, पाँचवा ये। ठीक है, और इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई पूछना है, कोई जानकारी लेनी है। और 4 नंबर को आपकी परीक्षा रहेगी, ऑफलाइन पेपर रहेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। हिसार शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, हिसार में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।